अर्जेंटीना के टीवी एंकर का एलिजाबेथ द्वितीय की मौत का जश्न मनाने का वीडियो सामने आया है। एंकर का नाम सैंटियागो कुनावो है। वीडियो में एंकर तालियां बजाकर महारानी की मौत पर खुशी जता रहा है। महारानी का अपमान करते हुए एंकर कहता है कि सही व्यक्ति की मौत हो गई है और बूढ़ी औरत आखिरकार नरक में चली ही गई। वीडियो में देखा जा रहा है कि टीवी एंकर के साथ साथ उसके आसपास पैनल में बैठे लोग भी तालियां बजा रहे हैं। एंकर सैंटियागो महारानी की आलोचना करते हुए उनके लिए अपमानजनक शब्द बोल रहा है। एंकर का कहना है कि वो कई सालों से एलिजाबेथ की मौत का इंतजार कर रहा था। सोशल मीडिया में यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। कई लोगों ने एंकर की इस हरकत पर नाराजगी जताई है। एक यूज़र कहता है कि हम समझ सकते हैं कि एंकर को रॉयल फैमिली से चिढ़ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह मरे हुए व्यक्ति को अपमान करे। जाहिर सी बात है कि एंकर ने ये सब TRP पाने के लिए किया है। अगर यह आदमी थोड़ा भी होशियार होता तो कभी भी दुनिया से जाने वाले का अपमान नहीं करता। वायरल हुए इस वीडियो में कई लोगों ने एंकर की आलोचना करते हुए महारानी एलिजाबेथ को श्रद्धांजलि दी है। एक यूज़र लिखता है कि महारानी एलिजाबेथ के निधन की खबर सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ है। महारानी एक महान शासक थी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का गुरुवार देर रात निधन हो गया है। वह पिछले कुछ वक्त से बीमार थी। 96 साल की महारानी स्कॉटलैंड के बालमोरल कौसल में रह रही थी। यही उन्होंने अंतिम सांस ली। वे सबसे लंबे समय तक ब्रिटेन की क्वीन रहीं। अब प्रिंस विलियम 40 साल की उम्र में ब्रितानी सिंहासन के उत्तराधिकारी बन गए हैं। उनके पिता प्रिंस चार्ल्स 73 साल अब किंग हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।